कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद नए सीएम का नाम तय। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर बन गई है सहमति। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे पंजाब के अगले मुख्यमंत्री। सुखजिंदर रंधावा पंजाब के नए मुख्यमंत्री, हाईकमान ने तय किया नाम। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, सुखजिंदर रंधावा के नाम को नए सीएलपी नेता के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद लगातार ये अटकलें तेज हो गई थी कि आखिर अगला कैप्टन कौन होगा पंजाब का, और आज इस पर सहमति बन गई है। विधायकों की सुखजिंदर सिंह के नाम पर सहमति बनी है और अगले मुख्यमंत्री के नाम पर नाम फाइनल किया गया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद नए सीएम का ऐलान किया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बनी है और अगले अब मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे पंजाब के। तो सुखजिंदर रंधावा पंजाब के नए मुख्यमंत्री, हाईकमान ने तय किया है नाम। सुखजिंदर रंधावा के नाम को नए सीएलपी नेता के रूप में चुना गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब से लगातार जो अटकलों का दौर जारी था उस पर अब विराम लग गया है। आईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने इस नाम पर सहमति जताई है। विधायकों के सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो आपको बता दें, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे के बाद पंजाब को नया सीएम मिल गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुलवीर सिंह दीवान फोनलाइन पर हैं, ब्यूरो हेड है पंजाब के। बहुत कुलवीर, जिस तरीके से अभी तक लगातार ये अटकलों का दौर जारी था कि आखिर अगला चेहरा कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अब उस पर फाइनल। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से, आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बनी है और जिस तरीके से आप उन्हें अभी सुन रहे थे, और कुलवीर दीवान हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। कुलवीर, जिस तरीके से अभी तक ये अटकलों का बाजार गर्म था और अब इस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि उन्होंने अभी एक बात साफ तौर पर कही है कि शपथ ग्रहण किसका होगा वो ये नहीं जानते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिसको कोई काम नहीं करना होता उसे 9.5 साल नहीं 10 साल दे दीजिए तब भी कोई काम नहीं कर पाएगा, तो ये एक बड़ा हमला भी एक तरीके से कैप्टन पर है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा हमला जो है वो किया गया है, और यहाँ पर एक बात और समझनी होगी। यदि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस आरोप के तहत कुर्सी से उतारा गया है कि उन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, तो नए जो मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो सुखजिंदर रंधावा ही क्यों ना हो, उनके लिए ये चुनौती होगी कि बाकी जो 4.5 महीने का या 4 महीने का समय बचा है, क्या वो उसमें वो काम कर पाएंगे जो जिसके आधार पर जो कांग्रेस है वो जनता के सामने जाकर वोट मांगने की हकदार हो सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जो भी नया मुख्यमंत्री होगा। हालांकि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है और कहीं ना कहीं अब ऐलान जो है वो बाकी है। बिल्कुल ठीक है, ऐलान बाकी है, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है। हालांकि उन्होंने ये भी इसके पहले बयान दिया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए उन्होंने इनकार किया था, लेकिन उनका ये मानना है कि सिख समुदाय से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अटकलों ये भी लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोई हिंदू चेहरा भी सामने लाया जा सकता है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धू का नाम भी सामने चल रहा था। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब इनका नाम फाइनल समझा जाए? देखिए, हिंदू चेहरे की यदि बात की जाए तो सुनील जाखड़ का नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि हमने कल जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी वक्त हमने ये कहा था कि हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर सुनील जाखड़ का नाम जो है वो सीएम पद के दावेदार के रूप में हो सकता है, लेकिन फाइनल जो है उनके ऊपर मोहर लगनी काफी मुश्किल है, क्योंकि उसके कई कारण थे और होने भी वही जा रहा है जहां तक संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि सुनील जाखड़ का नाम कटकर अब सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी सुखजिंदर सिंह रंधावा यदि मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके उनके सामने जो है 4.5 महीने का जो काम है और उसमें अपनी परफॉर्मेंस जो वो है दिखानी होगी। और जहां तक सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें तो सिख चेहरा तो है ही, साथ ही एक साफ छवि भी उनकी अभी तक गिनी जाती है, और खास तौर पर जिस तरह से जो बेअदबी का मामला है या फिर ड्रग्स का मामला है, इनको लेकर वो काफी ज्यादा आक्रामक अपनी ही सरकार के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि उनका ये आरोप था सीधा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो घेरते रहे हैं कि इन दोनों मामलों में कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की, और इसी आधार पर ही कहीं ना कहीं ये जो घमासान है कांग्रेस में
ये मचा था और अब ये बात जो है वो यहाँ तक पहुंची है कि मुख्यमंत्री आखिर बदलना पड़ा और सुखविंदर सिंह रंधावा कहीं ना कहीं उन नेताओं में सबसे आगे थे जो मुखालफत कर रहे थे इन दो मुद्दों को लेकर सरकार की, क्योंकि बेअदबी का मामले की बात करें तो बेअदबी मामले में सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रीत राजेंद्र बाजवा यही मंत्री जो है वो तब जब जो सिख समुदाय जो है धरना लगाकर बैठे हुए थे सिख संगठन से, वहां पर ये आश्वासन देकर आए थे कि कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद बैलगाड़ी में से धरना जो है वो उठाया गया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खासतौर पर इन दो मंत्रियों को अपनी जो राजनीति है उसको लेकर चिंता पड़ी हुई थी कि वादा जो करके आए थे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बिहार पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उनकी जो छवि है उसको नुकसान पहुंच सकता है और उसका खामियाजा जो है वो इन चुनावों में विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा डर था सुखविंदर सिंह रंधावा। अगर नामों का जिक्र किया थे आप विधायक को किस तरीके से अभी बता रहे हैं और ICC के द्वारा नियुक्त प्रवेश को ने CLP नेता के रूप में चुना है, आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम सामने आया है। और कुलबीर दीवान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलबीर, अगर नामों का जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा का भी नाम सामने आ रहा था और अब जो नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है वो सुखविंदर सिंह रंधावा के नाम को बताया जा रहा है कि उनके नाम पर सहमति जताई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रंधावा साहब ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि एक मुख्यमंत्री तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक उसकी पार्टी और राज्य की जनता उसके साथ खड़ी होती है। तो इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, ये जो बयानबाजी हो रही है खासतौर पर सुखविंदर सिंह रंधावा की तरफ से, वो सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाना बनाकर हो रही है, क्योंकि यही इसी तरह के आधार बनाए गए थे जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत की गई थी। तो जो उनके ये हमले हो रहे हैं राजनीतिक तौर पर, ये सीधे तौर पर अब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। एक और बड़ा आरोप लगाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने कहा कि मेरा सम्मान नहीं हो पा रहा है और रंधावा साहब ने कहा कि जितना सम्मान उनको मिला है मुझे नहीं लगता है कि इतना सम्मान किसी को मिला होगा, ये बात उन्होंने खुद कही है। दूसरी बात कि जिस तरीके से अभी से ही ये हमला शुरू हो गए हैं कैप्टन पर और कैप्टन साहब ने भी ये बात कही थी कि उनके दरवाजे खुले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस के दो धड़े नजर नहीं आ रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से कमजोर होती नजर आएगी अगर कैप्टन साहब ने कोई और रास्ता चुन लिया तो? देखिए, ये जो दवा लगाई जा रही है मुख्यमंत्री बदलने के रूप में कांग्रेस के जख्म पर, जो पिछले काफी दिनों से दर्द दे रहा था कांग्रेस आला कमान को, तो ये जो दवा लगाई जा रही है लगता नहीं है कि इस दवा से जो जख्म है वो भरेगा, बल्कि ये दवा और भी दर्द दे सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर अब आमने सामने होंगे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और अन्य जो नेता हैं जो उनके कैप्टन जी की खिलाफत करते रहे हैं उनका गुट, ये दोनों आमने सामने होंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में यदि रहेंगे तब भी नुकसान होगा, कांग्रेस में यदि नहीं रहेंगे। चलिए कुलबीर, आप लगातार नजर बनाए रहिए, आप ऐसे अपडेट लेते रहेंगे और आइए आप आपको सुनाते हैं। समर्थन करते हो? बिल्कुल करते हैं, सारे सुखविंदर सिंह रंधावा को अगर मुख्यमंत्री लाया जाए बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल हमेशा पंजाब दे विच सिख चेहरा जिहड़ा है ओह सीएम बनता है और सानू हुण वी है कि पार्टी ने जे उत्थे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी नूं इक पग वाले नूं शान बख्शी है ते पंजाब दे विच वी जिहड़ा कि पग वाले नूं जिहड़ी है पहल दित्ती जाए। दो डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला चल रहा है और दो डिप्टी सीएम दे विच विच मैं जो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि SC और अपना जो हिंदू चेहरा असी जो मैं धर्म अपना आशु जी का जो नाम जो दिता। आपने सुखविंदर जी का नाम रखा है रंधावा जी का नाम? बिल्कुल बिल्कुल, रंधावा जी का CM ली। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संदीप सिंह, कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। संदीप जी, अब पंजाब में नए कैप्टन का चेहरा सामने आ गया है, अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुखविंदर सिंह रंधावा राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही बताया जा रहा है, अब कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? क्योंकि कांग्रेस में लगातार जिस तरीके से बयानों का सिलसिला जारी था वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, सुखविंदर सिंह भी लगातार बयानबाजी शुरू कर दिए हैं आते ही। देखो, सुखविंदर सिंह रंधावा है जो पुराने कांग्रेसी टकसाली परिवार से हैं, उनके फादर भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं,
इसके लिए वो कांग्रेस पार्टी को अच्छे से चलाने का उनके पास तजुर्बा है, तो कांग्रेस का आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, पंजाब में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी शुरू है और कैप्टन साहब ने भी ये कह दिया है कि उनके लिए रास्ते खुले हैं, ऐसे में अगर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जाता है रंधावा साहब की तरफ से, तो क्या लगता है कि एक बार कैप्टन साहब को मनाने की कोशिश चलती? लेकिन अब अगर वो इन बयानों को सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस सम्मान का जिक्र किया था, जिस सम्मान की बात कही थी, तो अब तो वो कहीं ना कहीं और भी कोई सख्त रुख अपना सकते हैं। नहीं देखो, बात ऐसी है, कैप्टन साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा उनको पता है, और उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ कहा है, वो पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। अब जिसको भी उन्होंने पार्टी का, जब आपने भी देखी स्टेटमेंट, कल हमने भी देखा है कि उन्होंने यही बोला कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं चाहते हैं, तो आज अगर पार्टी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को प्रपोज किया है या बना रहे हैं उनको, तो मेरा ख्याल है कैप्टन साहब इसमें कोई उसका विरोध नहीं करेंगे, वो उनके साथ लेके चलेंगे। संदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के नेता है। तो पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जीओटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।